जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सोरठ महला तीजा। दो तुकी निगुणियां नू आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए। निगुणिया नू आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए। हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी भाई। पूरे सतगुर लेर लाए, रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे। साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारियन भाई। सतगुर बेड़े चाड़, मनुरे ते कंचन पे पाई। गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ नाऊ मन वसया पाई। ज्योति ज्योत मिलाए, होवारी होवारने पाई। सतगुर को सद बलिहारे जाओ, नाम निदान जिन दिता पाई। गुरमत सहज समाओ, गुरबिन सहज ना उपजे पाई। पुछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई। बिचों आप गवाए, गुरमति भाव उपजे पाई। भाव करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाइए पाई।
सच नाम आधार जो सतगुर सेवह अपना पाई तिनके हो लागू पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल पी लई बखसाए सच बाणी सच शब्द है भाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन ना लागे कोए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन ना लागे कोए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ आप जी वड्डे भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमई बचन जो कि सतगुर साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तों सतगुर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने बख्शिश कीती अमृत वेले सोहणे सिंघासन ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के ए अमृतमई बचन पावन मुखवाग दे रूप दे विच समुची मानुख जाति दे लई अते लोक भलाई दे लई सतगुरु पातशाह जी ने ए पावन अमृतमई बचना दी दात जो बख्शिश कीती सो आप समूह साध संगत ने बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल इन्ना पावन बचना नू सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। सो साध संगत जीओ आओ आपां सारे आपो अपनियां मन बिरतियां नू एकागर करन दा जतन करिए। सतगुर पातशाह जी दे बड़े अनमोल बचन हन सतगुर पास बेनंतियां मिलै नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। भाव सतगुर दे पास असी बेनंती करनी है गुरु कृपा कर दवे सतगुर पातशाह जी मेरे मालक कृपा साडे ते कर देन ते साडा जेड़ा मन भटकदा पिया है ये एक मन एक चित हो सकदा है लेकिन ये उदों ही संभव है जदों असी गुरु दे कोल आ के गुरु की कृपा दे पात्र बनांगे। सो साध संगत जो सुरत नूं सतगुरां दे चरणां विच टिकाईए ते इन्हां पावन अमृतमई बचना दी विचार नाल सांझ करन दा जतन करिए जी। साध संगत जो इस अज दे पावन अमृतमई बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 638 ते सुभाएमान हन। सो सारे एक बारी करो जी रसना नू पवित्र आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ
सोरठ महला तीजा। दो तुकी निगुणिया नू आपे बख्श ले भाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है भाई। राम नाम चितलाए, सतसंग जो राग सोरठ दे विच सतगुर साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज कृपा करदियां होया सानू समझा रहे हैं। अपने मुखार बिंद भाव सतगुर पातशाह जी अपनी पावन रसना तो इन्हों पावन वचना उचारण कर दिए हैं। दो तुकी दे विच भाव, दो तुकी का भाव अर्थ है कि दो बंदा वाली बाणी। सतगुर पातशाह जी दे विच ते तुकी भी है, चो तुकी भी है, दो तुके भी हैं। सो सतसंग जो ये बाणी दो तुकी है, सो आओ सारे ही इस पावन मुखवाग दी विचार नाल सांझ करन दा जतन करिए। निगुणिया नू आपे बख्श ले भाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए। सतगुर पातशाह जी दे बड़े अनमोल बचन हन, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। जे किते साडे मना विचों होमे दी मल लथ जावे ते सारियां बख्शिशां सानू प्राप्त हो सकदियां हन। जिवें गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने, हे भाई गुणा तो जेड़ा साडा जीवन सखैण ते सतगुर दी सेवा विच लै के परमात्मा ही बख्श लैंदा है। जे किते साडे ते बख्शिश कर दवे परमात्मा ते जिन्हां दे अंदर गुण नहीं हन उन्हां दे अंदर भी वह चंगे गुण टिका देंदा है। भावें वह किन्ने भी मनमुख जीव, किन्ने भी मनमुख वृत्ति वाले जीव क्यों ना होण, जे किते गुरु कृपा कर दवे, जे मेरा मालक मेहर दी नज़र कर दवे ते सतसंग जो परमात्मा आप ही उन्हां नूं बख्श लैंदा है। हे भाई गुरु दी शरण सेवा बड़ी ही भागा वाले जीवां नूं प्राप्त हुंदी है। शरण पए मनुखां दा मन परमात्मा दे नाम विच हमेशा ही जुड़िया रहिंदा है ते जिन्हां दा मन गुरु चरणां विच जुड़िया होवे, जिन्हां दा तन गुरु सेवा विच जुड़िया होवे ते सतगुर पातशाह जी फरमान करदे ने भाई उन्हां दा मन भी उस परमात्मा उस करतार पुरख वाहिगुरु दे नाल जुड़िया रहिंदा है। जिवें पातशाह जी दे पावन बचन न, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। सतगुर पातशाह जी दे ये पावन बचन हन कि असी हत्था पैरां दे नाल अपना कार विहार भी करना है, लेकिन मन दे नाल परमात्मा दे नाम दा ओ टासरा भी रखना है। जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा ओ टासरा मन करके लिया है उन्हां दे सारे कारज आप गुरु सवार दिंदा है। हर जीओ आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर ले रलाए। इस पावन मुखवाग दी ए बंद दियां भाव राहो दियां तुकां हन। हर जीओ आपे बख्श मिलाए, ओ मेरा मालक हरी परमात्मा जिस ते कृपा कर दिंदा है। हे भाई असी जीव गुणा तो सखैण हाँ, बिकारी हाँ, पूरे गुरु ने जिन्हां नूं अपनी संगत विच रला लिया है उन्हां नूं परमात्मा ने आप ही मेहर करके अपने चरणा विच जोड़ लिया है ते अपने चरणा नाल ही उन्हां नूं जोड़ के आप परमात्मा कृपा करके रख लैंदा है। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
साचै शब्द विचार भवजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़े चाड़। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜੇ ਪਾਵਨ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਹਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ੀਨ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗਨਕਾ ਅਜਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂਰੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਮਨੂਰੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਤਸੰਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਲ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਸ ਬੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਹਨ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੰਚਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮਿਟੇ ਦਾਤ,
भाव साध संग जो गुरु नाल जुड़ के सारिया वस्तुआं प्राप्त कीतियां जा सकदियां हन। इत्थों तिकर कि इस भव सागर तो भी असी गुरु नाल जुड़ के ही पार हो सकते हाँ, लेकिन साध संगत जो उस दे लई सानू गुरु की संगत विच आना पवेगा, गुरु की संगत का ओट आसरा लेना पवेगा। हों बारी हों बारने भाई सतगुर को सद बलिहारे जाऊं, नाम निदान जिद्दता भाई गुरमत सहज समाऊं। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी इत्थे समझा रहे हैं कि भाई जेड़े जीव गुरु नाल जुड़ के सतगुर दा पल्ला फड़ लेंदे हन, मैं उन्हां तों वार 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 ने जाना हाँ, कुरबान ते बलिहार जाना हाँ, जिन्हां ने गुरु नाल जुड़ के परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा हिरदे रूपी घर विच टिका लिया है, भाव नाम निदान जिन दिता भाई गुरमत सहज समाओ, भाव जिन्हां ने उस नाम नूं हिरदे रूपी घर विच टिका लिया है ते जिस गुरु ने किरपा करके नाम दा खजाना मेरे हिरदे रूपी घर विच टिका दिता है ते भाई ए गुरु दी किरपा दे नाल ही तैनू प्राप्ति हुई है परमात्मा दे नाम दी, ते गुरु दी मत धारण करके तू संसार विच विचरना सिख लैंदा है। गुरबिन सहज ना उपजै भाई पुछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर भाई बिचों आप गवाए। गुरबिन सहज ना उपजै भाई पुछो ज्ञानिया जाए। सतगुर पातशाह ने इत्थे सानू स्पष्ट करके समझाया है भाई आत्मक जीवन दी जो समझ है वो कदों सानू प्राप्त होंदी है, जदों असी अपना तन मन गुरु अगे रख दईए। यही उत्तर मिलेगा कि गुरु दी सरण पैण तो बिना मनुख दे अंदरों जिहड़ा आत्मक अडोलता पैदा नहीं हो सकती, ये कदों जदों असी गुरु दी सरण विच आ जाइए, नहीं तो सानू कदे भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस वास्ते हे भाई तू भी अपने अंदरों आपा भाव दूर करके सदा गुरु की सेवा करिया कर, ते गुरु की सेवा दे नाल नाल परमात्मा दे नाम नाल भी जुड़िया कर, ताइयों तेरा इस भवसागर तो पार उतारा हो सकता है। गुरमति भाओ उपजै भाई पाओ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाइए भाई सच नाम आधार। गुरमति भाओ उपजै भाई पाओ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाइए भाई सच नाम आधार। सतगुर पातशाह जी बड़ा ही सुंदर फरमान कर दिन हे भाई गुरु दी मत उत्ते जेड़े मनुख तुरदे हन, मनुखां दे अंदर परमात्मा वास्ते डर आदव पैदा हुंदा है, साध संग जी ओयो गुरु दी मत नूं ग्रहण करदे हन, अपने अंदर डर आदव पैदा करना ही अते पैदा करवाना ही करण योग कर्म है, ये कम सदा थिर रहन वाला ही ओयो कर्म सब तो श्रेष्ठ है। हे भाई इस डर आदव की बरकत नाल परमात्मा दे प्यार दी कीमत धन भाव लाभ पैदा होंदा है, परमात्मा दा सदा थिर नाम जिंदगी दा एक आसरा बन जाता है, जिसनू इंसान अपने जीवन विच परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लै लवे बना लवे ते ओ हमेशा ही जीवन दे विच चढ़दियां कलां माणदा है। जो सतगुर सेवे अपना भाई
तिन कै हों लागू पाए। जन्म सवारी अपना भाई कुलबी लई बख्शाए। जो सतगुरु नूं सेवदे हन, जो अपने हिरदे दे नाल उस मालिक परमात्मा दा जस सिमरन कमाउंदे हन, सतगुर पातशाह जी फरमान करदे ने उहनां दे नाल जुड़िया जन्म साडा भी सवर सकदा है, ते उह अपना जीवन ते सवार ही लैंदे हन। लेकिन इत्थों तिकर कि उह 21 कुलां दा भी पार उतारा कर दिंदे हन। सतगुर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने एक वारी बेड़ी दे विच बह के दरिया पार करन लगे, ते साध संग जो जेड़ा बेड़ी दा मलाह सी उसने वेखिया, ते सतगुरां दे चरणां विच नमस्कार कीती, ते साध संग जो सतगुरां नूं हथ जोड़ के ये अरदास ते बेनती कीती, मालक जिमें तुसी मेरे गरीब निमाणे दी इस टुट्टी हुई बेड़ी दे विच बह के इस दरिया नूं पार कर रहे हो, तिवें ही मेरे ते भी बख्शिश कर दिओ, मेरे ते भी कृपा कर दिओ कि मैनू अपने नाम रूपी जहाज भाव बेड़े विच बिठा के मैनू भी इस भवसागर तों पार करा दिओ। ते साध संग जो जदों गुरु कृपा करदे हन, जदों ओ मालक मेहर दी नदर करदे हन, ते साध संग जो गुरु सतगुर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़े ही मेहर दे घर विच आ के आखण लगे, भाई तू ते अपनियां 21 कुलां नूं भी पार करा लिया है, भाव गुरु ने कित्थे एक नूं पार करना सी, ते कित्थे साध संग जो गुरु दी कृपा दे नाल 21 कुलां नूं उस मला ने पार करा लिया। सो साध संग जो सारियां गल्लां सिर्फ प्रेम दियां हन, भाव दियां हन, जिन्हां दे अंदर प्रेम है, जिन्हां दे अंदर भाव है, गुरु उन्हां ते हमेशा ही मेहर ते बख्शिश करदा है। सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिघन ना लागै कोए। बिघन ना को लागता गुर पह अरदास, रखवारा गोबिंद राए भगतन की रास। सतगुरु पातशाह जी दे पावन बचन हन, ते लास्ट पंक्तियां दे विच गुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिघन ना लागै कोई। जिन्हां दे अंदर हिरदे रूपी घर विच परमात्मा दा नाम टिक जांदा है, साध संग जो गुरु पातशाह जी बख्शिश करदे हन, समझा रहे हन, हे भाई गुरु दी कृपा नाल सदा थिर हर नाम हिरदे विच आ वसदा है, सिबत सलाह दी बाणी हिरदे विच आ वसदी है। सिबत सलाह दा शब्द जिस जीव नूं प्राप्त हो जांदा है, सतगुर पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज वड्डे सतगुर साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे नाम दी मोहर ला के समझा रहे न, हे नानक आख हे भाई गुरु दी कृपा नाल जिस मनुख दे मन विच परमात्मा दा नाम आ वसदा है, उस नूं जीवन सफर विच कोई औकड़ नहीं पैंदी, ओ हमेशा ही इस भवसागर नूं पार कर लैंदे हन। जिन्हां ने गुरु शब्द नूं हिरदे विच धारण कर लिया है, जिन्हां ने पूरे गुरु दी शरण दा ओट आसरा लिया है, उन्हां दे सारे कारज आप गुरु दी कृपा नाल ही सवर जांदे हन। जिवें पातशाह जी ने लास्ट पंक्तियां विच सानू समझाया है, नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिघन ना लागै कोए। उन्हां नूं किसे तरह दा बिघन नहीं पैंदा जिहड़े गुरु दा ओट आसरा लैंदे हन, जिहड़े गुरु शब्द नूं हिरदे विच ते सुरत विच टिका लैंदे हन, उन्हां दा इह लोक भी सवर जांदा है जी, पर लोक भी सोले हुंदे हन। सो साध संग जो आप जी वड्डे भागां वाले हो, अज पावन मुखवाग दी विचार नाल सांझ करके अपने जीवन सफल कीते हन, जे किसी माई भाई का कोई चंगा सुझाव होवे ते अदास नाल सांझ कर सकते हो, दस दा ए इंडिया दा नंबर है जी 87501063 75, इस नंबर ते आप जी दास नाल संपर्क कर सकते हो।
जा चकदे टीवी की वैबसाइट पर भी अपने सुझाव दे सकते हो जी। बुलाइए फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।